अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड फिटनेस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं आज सोचा कि क्यों ना ब्लॉग्स बना दूँ, और अब मैं नेक्स्ट भी ब्लॉग्स बनाया करूँगी। तो अब मैं अपना हेयर कलर जो है वो चेंज करना चाह रही थी। काफ़ी अर्से से मेरा तकरीबन 6 मंथ से मेरा जो हेयर कलर है वो गोल्डन कलर का था, तो अब मैं परचेज़ करने के लिए जा रही हूँ कलर मार्केट में। तो अब देखिए कौन सा कलर जो है वो मैं परचेज़ करती हूँ। बहुत सारे कलर्स थे इधर, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा कलर जो है वो लूँ। सो या मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं अपना कलर जो है वो बालों का नेचुरली कलर कर लेती हूँ, ठीक है। बिल्कुल ब्लैक जो कलर है वो भी नहीं अच्छा लगता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नेचुरली कलर जो है वो कर लूँ। सो मैंने एक कलर परचेज़ किया है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा लिया मैंने यहाँ से कलर। तो मैंने परचेज़ किया है PPC का कलर, क्योंकि मैं अपना हेयर कलर जो है वो चेंज करने वाली हूँ। ये देखें नंबर इसका, मैं आपको बताऊँ कौन सा नंबर मैं लेके आई हूँ। नंबर कहाँ लिखा हुआ है इसका, 5 नंबर। ये देखें लाइट ब्राउन कलर है, क्योंकि मेरे बाल जो हैं पहले गोल्डन कलर के थे और अब मैं लेके आई हूँ लाइट ब्राउन, ठीक है। क्योंकि वो पीछे से बाल मेरे गोल्डन आ गए थे और आगे से बाल ब्लैक थे, तो मिक्स सा शेड बहुत अजीब सा लग रहा था ना बालों का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बालों का कलर जो है वो सेम एक जैसा ही कर लूं, क्योंकि पहले मैंने स्टिकिंग करवाई थी, इस वजह से बाल जो हैं वो काफ़ी डैमेज हो गए थे। तो मैंने सोचा कि सेम एक कलर कर लूँ सारे बालों का। तो सो मैंने ये PPC का कलर लिया है। अब इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, देन मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी कि ये कैसा रहा मेरे बालों में, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू पार्लर, वहाँ से मैं ये कलर लगवा के आपको इसका शेड भी दिखाऊंगी। अब यहाँ मैं पार्लर में आ गई हूँ, फाइनली मेरा बालों पे जो है वो कलर अप्लाई किया जा रहा है। उसके बाद मैं वॉश करके आपको दिखाऊँगी कि मेरे बालों का कलर जो है वो कैसा है। पहले की तस्वीर जो है ये कलर है मेरा बालों का। पता नहीं तस्वीर इस तरह से क्यों आ गई है, जब मैंने बनाई थी इस तरह बिल्कुल भी नहीं थी। अब इस तरह की तस्वीर आ रही है, लाइनिंग सी इसके ऊपर आ रही है, लेकिन कलर जो है वो आप देख लें, ये कलर था। और उसके बाद मैंने इसको नेचुरली कलर में कन्वर्ट किया, और ये देखें लाइट सा ब्राउन शेड है। अब शायद आपको पिक्चर में और लग रहा होगा, लेकिन नेचुरली अगर देखा जाए तो इसका लाइट सा ब्राउन सा कलर है। अच्छा कलर आ गया इसका बालों पर, और खुश हूँ मैं इस कलर में, बहुत खुश हूँ, कम्फर्ट बहुत अच्छा कलर आया है ये। तो खुश हूँ मैं इस कलर में, क्योंकि इससे मेरे बाल जो है वो थोड़े हैवी लगने लग गए हैं, क्योंकि सेम एक जैसे बाल हो गए हैं। होपफुली आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.